मेहदा से बिछौली मार्ग जेसीबी से खोदने का आरोप लगाया। भूमि स्वामी बोला कि मेरी जमीन। दरअसल मामला भिंड जिले के रौन क्षेत्र के मेहदा गांव का है, जहां मेहदा से बिछौली पहुंच मार्ग को खोदने का आरोप बिछौली के ग्रामीणों ने अतुल शर्मा पर लगाया। मार्ग खोदे जाने से किसानों के तूरी से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 100 को दी। डायल 100 ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जेसीबी से रास्ता खुदवाने वाले अतुल शर्मा ने ग्रामीणों पर लगाया रेत व तूरी निकालने का आरोप और कहा कि जो जगह मैंने जेसीबी से खुदाई है वह सड़क नहीं, मेरी जमीन है। उधर बिछौली के ग्रामीणों का कहना है यह मुख्यमंत्री सड़क है, इसी सड़क से निकलने पर अतुल शर्मा ने हमारे तूरी से भरे ट्रैक्टरों से 500 रुपए मांगे थे और जब नहीं दिए तो आम रास्ता जेसीबी से खुदवा दिया गया। तब हमने रास्ता बंद होने पर डायल 100 को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आपने आम रास्ते को खोदा है जेसीबी के द्वारा, क्या है मामला पूरा? नहीं, जिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है ना, ये हमने अपनी निजी भूमि से सबसे पहले तो इनको रास्ता नहीं था, पहले निजी भूमि से रास्ता दिया इनको निकलने के लिए। ये पहले बहादुरपुरा से निकला करते थे, मैदा से कोई रास्ता नहीं था, हमने अपनी निजी भूमि से रास्ता दिया इनको आज निकलने के लिए था। जब ये लोग आज धंधा कर रहे हैं, रेत डाल रहे हैं, तोई की ट्रॉली डाल रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमने अपनी जो निजी संपत्ति है, हमारी कोठी बनी है उसमें क्षति पहुंच रही है, उसको क्षति रोकने के लिए हमने अपनी निजी भूमि को खोदा। सर तूरी हम भर के लेके आए तो अतुल शर्मा यहाँ खड़े थे। अतुल शर्मा हमसे बोले 500 रुपए दो तो गाड़ी हम निकालने देंगे और नहीं अगर 500 रुपए दोगे तो हम आपको मारपीट करेंगे। तो यहाँ के सर वो लोकल हैं सर और हम दूसरे गाँव के यहाँ सर आने में बहुत परेशानी रात हो दबंग है सर। अरे रास्ता खोद दी करना और बाहर नहीं निकल पाते, बिल्कुल रास्ता बंद कर दी। यहाँ ट्रैक्टर दो के भरे खड़े हुए हैं, निकल नहीं रहे। कौन से गांव के लिए गया रास्ता? सौली के लिए रोड गई है पूरी। रास्ता किसने खोदा? अतुल शर्मा ने। जाम न्यूज के लिए भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।